वे संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मासिक शिवरात्रि के बारे में और साथ ही जानेंगे कि भोलेनाथ को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, यह तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यह मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। वहीं हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पावन दिन भगवान शिव शंकर की पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस खास मौके पर वेद संसार आपको बताने जा रहा है मासिक शिवरात्रि क्या है और इसका महत्व और इसकी पूजा विधि के बारे में। अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो यह दिन बहुत ही खास है। ऐसी मान्यता है कि इस पावन दिन व्रत रखने से आपको सारे पापों से मुक्ति मिल सकती है और साथ ही आपका जीवन सुखों से भर सकता है। ध्यान रहे कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। आगे बात करते हैं मासिक शिवरात्रि की सही पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप सुबह जल्दी से उठ जाएं और स्नान कर लें। वहीं स्नान के बाद आप अपने पूजा घर में दीपक प्रज्वलित कर लें। बता दें कि लॉकडाउन का दौर चल रहा है, जिस कारण आपका घर से बाहर निकल पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए आपके लिए सही यही होगा कि आप घर में ही पूजा करें। आपने अगर अपने पूजा घर में शिवलिंग को रखा हुआ है तो घर में ही शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य से करें। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप फिर भगवान शिव की सच्चे मन से ध्यान कर लें और उसके बाद इस मंत्र का जाप ओम नमो शिवाय, इसका जाप आप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप महामृत्युंजय मंत्र जो कि इस प्रकार है उसका ध्यान भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमोक्षे मामृतात्। अब आप पूजा के बाद भोले बाबा को अपनी इच्छा अनुसार भोग लगाएं। याद से शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक और शिव चालीसा तथा शिव श्लोक का पाठ जरूर से करें। अब आपको बताएंगे इस व्रत से आपको क्या लाभ होता है। दोस्तों, जान ले कि शिव शंकर जब अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं तो वह मनवांछित वरदान का आशीर्वाद देते हैं। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं व साथ ही साथ आपके कार्यों में आ रही रुकावटें भी झट से दूर हो जाती हैं। बता दें कि भगवान शिव की पूजा करने से आपकी कुंडली के दोष भी पूरे दूर हो जाते हैं और तो और विवाह में आ रही अड़चने भी भगवान शिव अपनी कृपा से दूर कर देते हैं। अब बात करते हैं खास शिव चालीसा के मात्र पढ़ लेने से क्या फायदे होते हैं उसके बारे में। आपके मन में अगर कोई भय है तो आप इस मंत्र का जाप करें जिसमें है जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहते अयोध्या दास तुम देव अभेदान। दोस्तों, ध्यान रहे कि इस मंत्र को याद से 11 बार सुबह भगवान शिव के सामने पढ़ना चाहिए। याद रहे कि ऐसा आपको 40 दिनों तक लगातार करना होगा। वहीं अगर आपके दुख और परेशानियों में बढ़ोतरी हो रही है तो आप इस मंत्र का रात्रि में जाप करें और फिर तभी सोने जाएं। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। ध्यान रहे कि इस खास पंक्ति को 27 बार रात्रि में पढ़ना भूले नहीं और कार्य सिद्ध हो जाने पर निर्धन लोगों को आप सफ़ेद मिठाई ज़रूर से बांटें। इसके बाद हम बताएंगे कि अपने किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं जो कि है पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना। दोस्तों, इस खास पंक्ति को 11 बार शाम के समय पढ़ना ना भूलें। बता दें कि ऐसा लगातार 27 दिन तक जरूर करें। आगे है मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए यह मंत्र पढ़ें। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भई प्रसन्न दई इच्छा वर। इस पंक्ति को मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए सुबह के समय 54 बार यानी कि 54 टाइम्स इसका आपको जाप करना होगा और ऐसा आपको 21 दिन तक करना होगा। तो सारे भक्तजन मिलकर कहें ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अगर आप भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आप भी प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।